कौन है नेपाल के नए पीएम? पुष्प कमल दहल के पीएम बनने से चर्चा में क्यों छाया भारत नेपाल संबंध? कितनी होती है नेपाल के पीएम की सैलरी? इन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर एक बार फिर से पुष्प कमल दहल प्रचंड विराजमान हुए हैं। ये तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। चीन की ओर खास झुकाव रखने वाले और भारत के प्रति नजरें तिरछी रखने वाले प्रचंड के हाथों में नेपाल की सत्ता आने के बाद एक बार फिर से भारत नेपाल संबंध चर्चाओं में आ गया है। बात अगर प्रचंड के राजनीतिक हैसियत की करें तो ये नेपाल के वो बड़े नेता हैं जो पिछले 32 सालों से अपने राजनीतिक दल का शीर्ष पद संभाल रहे हैं। ये पहली बार साल 2008-2009 में नेपाल के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। उसके बाद साल 2016-17 में भी कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे। नेपाल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले प्रचंड इन दिनों खूब चर्चाओं में छाए हुए हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री को कितना वेतन, कितने भत्ते और किस किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि भारत के 62 रुपए नेपाल के करीब 100 रुपए के बराबर होते हैं। इस लिहाज से नेपाल के प्रधानमंत्री को नेपाली रुपयों में 77,280 रुपए वेतन मिलता है। ऐसे भी ये भारतीय मुद्रा के करीब 48,000 रुपए के बराबर ही होते हैं। आपको बता दें कि इसमें इनका 10,000 रुपए मिसलेनियस भत्ता शामिल होता है, जबकि मोबाइल बिल की रकम जो कि 5,000 रुपए तक होती है वो भी शामिल है। अगर नेपाल के पीएम राजधानी काठमांडू से बाहर जाते हैं तो उन्हें रोजाना के हिसाब से 3,000 रुपए भत्ते के तौर पर दिया जाता है। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री को मिलने वाले अधिकारों की बात करें तो वे 45 सलाहकार रख सकते हैं जिनका वेतन फिक्स रहता है। इन सलाहकारों के साथ साथ वे 35 अन्य लोगों का स्टाफ भी रख सकते हैं जिनमें अकाउंटेंट, फोटोग्राफर, असिस्टेंट्स और ड्राइवर आदि शामिल होते हैं। इन पर होने वाला खर्च सरकारी खजाने से दिया जाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री के लिए हाल ही में एक नया विशाल और आलीशान आवास बनाया गया है। वर्ष 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इसकी आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री के इस विशाल और नए भवन में करीब 22 कमरे हैं। ये जागुआर गाड़ी में सफर करते हैं जो भारतीय कंपनी टाटा समूह का ही हिस्सा है। नेपाल के प्रधानमंत्री को मिलने वाले इस वेतन के अलावा प्रधानमंत्री को उनके आधिकारिक वाहन के लिए हर महीने 306 लीटर तेल भी मिलता है। इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इन्हें इनके उपनाम प्रचंड से भी खूब जाना जाता है। साधारण किसान परिवार में पैदा हुए प्रचंड का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वे वामपंथी विचारों से खूब प्रभावित हुए जिसने आगे चलकर इनके राजनीतिक सफर को भी एक दिशा प्रदान की। 25 साल तक भूमिगत रहने वाले प्रचंड के नेतृत्व में 10 साल का सशस्त्र संघर्ष चला और ये संघर्ष नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन का एक बड़ा कारण भी रहा। माओवादी इस संघर्ष को एक जनयुद्ध के रूप में देखते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।